हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो किसी भी प्रकार का आप लोगों को नॉलेज देने के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल के लिए है। फ्रेंड्स, क्या है ना कि यदि यूट्यूब पे काम करते हो तो भैया मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मेरा पूरा का पूरा मोटिवेशनल बेस पर निर्भर है, और आप लोगों को बीच में कुछ ऐसे दो टिप्स बताऊंगा, दो ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, और फिर यदि आप लोग सही करना चाहते हो वीडियो शुरू करने से पहले, फ्रेंड्स यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर प्यार से कमेंट कर दीजिए, और फिर यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि आप YouTube पे काम करते हो तो आप लोग तो जानते होंगे कि भैया YouTube के साथ साथ यदि आप लोगों को YouTube पे फेमस होना है, YouTube हीरो बनना है, YouTube पे नाम बनाना है, तो आप लोगों को YouTube के साथ साथ और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आप लोगों को अपनी पहचान बनानी होती है। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म यूट्यूबर्स का होता है वो यूट्यूब ही होता है। उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक होता है, सबसे बड़ा होता है उनके लिए इंस्टाग्राम होता है। इंस्टाग्राम होता है जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे स्टोरी वगैरह लगाते हैं और कुछ ना कुछ अपना वो काम वहाँ पे करते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स होता है जो दूसरे नंबर का, वो होता है फेसबुक, जो कि फेसबुक भी काफ़ी जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे अपने वीडियो के लिंक शेयर करते हैं, हो सकते हैं उनसे उस लिंक से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे यदि ऑडियंस होगी, उसकी जो बनी होगी तो वो हो सकता है उनकी वीडियो को देखती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और फिर जो तीसरे नंबर यूट्यूबर्स के लिए होता है ट्विटर, जो कि यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और किस लिए महत्वपूर्ण होता है मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ यहीं पे। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी बड़े यूट्यूबर का आप कहीं चैनल हैक हो जाता है तो आपको यूट्यूब इंडिया को ट्वीट करना होता है। वहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा रिट्वीट करवाते हैं। रिट्वीट तभी होगा फ्रेंड जब आप लोगों की ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस बनी होगी, आप लोगों के ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, तभी आप लोगों के फ्रेंड जो रिट्वीट होंगे वो बढ़ेंगे, तभी यूट्यूब समझेगा कि हाँ इनके रिट्वीट ज़्यादा हैं, ये बनता है कोई बॉट नहीं है, इसका रियल चैनल था, इसका चैनल हैक हुआ तो इसलिए हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये जो तीन प्लेटफॉर्म होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी होते हैं सभी यूट्यूबर्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ और इसका मेरा रीजन क्या है इस वीडियो का, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये वीडियो बनाना सिर्फ मोटिवेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरे आज के दिन 100 यानी कि 100 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे चेहरे पे साफ दिख रहा है। एक एक्सप्रेशन जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5, धीरे धीरे जब हम लोग काम करते हैं, काम की बदौलत ही हमारा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किस्मत कुछ नहीं होती, हम लोग कितनी मेहनत से कितना रात दिन एक करके काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उसको एक ही सेकेंड उसको किस्मत का नाम देते हैं, यार भाई तेरी किस्मत अच्छी थी तू ऐसा बन गया। तो भाई किस्मत कुछ नहीं होती है, हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाते रहते हैं, जुगाड़ लगाते रहते हैं, और भैया मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी होता सब कुछ झोंक देते हैं अपने वीडियो के कि भैया हमारा वीडियो चले, वायरल हो, और इसके वजह से हम लोगों के सोशल मीडिया पर भी नाम बने। तो उन्हीं सब मेहनत के बदौलत भैया आज मेरे बहुत बड़े नंबर तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए स्पेशली बहुत बड़ा नंबर होता है 100, क्योंकि भैया 100 फॉलोअर्स करना मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है। वो बात अलग है कि आप लोग किसी तरह से कंप्लीट कर लिए हो, कोई गलत काम किए हो, या मान लीजिए स्पैम आपके फॉलोअर्स आ जाते, कुछ लोग बताते हैं ना कि 100 जो फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम के, ऐसे प्राप्त करो, ऐसे प्राप्त करो, पैसा लगाओ, प्रमोशन कराओ, तो भाई मैं इस सब पे विश्वास भी ज़्यादा नहीं करता, और भाई मैं उतनी मतलब हाई लेवल फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए पैसे वगैरह लगाना भी इन सब चीज़ों पर बहुत मुश्किल काम होता है। बस मेरे लिए यही होता है कि मेहनत से मुझे लगता है कि जो हो जाए मेरे लिए वही बहुत है, मैं कि मैं यहाँ पे पैसे वगैरह लगाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना है ही नहीं तो मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मेहनत पे विश्वास करता हूँ, और मेहनत से सब कुछ मतलब अपने लिए बनाना चाहता हूँ, और मेहनत से बना भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा। मैं आज 100 फॉलोअर्स यदि इंस्टाग्राम पे क्रिएट किया हूँ तो मैं अपने मेहनत की बदौलत किया हूँ ना। आप लोग सबसे पहले देख लीजिए इसकी रिकॉर्डिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बदौलत है। आज मेरे यहाँ पे 22 पोस्ट हैं, इन 22 पोस्ट में मैंने अपनी पिक्चर से नहीं पोस्ट की है, मैंने इस पे अपना क्रिएटिविटी दिखाई है। आप लोग देखेंगे मेरे आईडी पे जाके, मेरा यूजर नेम है सचिन सिंह 6025, आप लोग नीचे देख लीजिए, ये
ये मेरा यूजर नेम है, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे मैंने ना सिर्फ और सिर्फ इमेजेस नहीं पोस्ट किए, वहाँ पे मैंने कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाई है, और क्रिएटिविटी मैंने ऐसी दिखाई जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील कराती है फटी पर। तो ये सब जो भी आज हुआ है मेरे साथ, आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं। मेरे YouTube पे भी 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, आप लोग यदि नहीं जानते हो तो मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। फ्रेंड वीडियो तो आप जो लोग देख ही रहे हो, नीचे मैंने शो भी कर दिया है, अभी तक तो मैं अपने आप सब्सक्राइबर हाइड ही करके रखा था, लेकिन अब मेरे सब्सक्राइबर शो हो रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख भी सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी 100 लोगों की फैमिली हो चुकी है मेरी, तो ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील कराता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब व्यूज नहीं आते हैं ना तो मतलब छोटी छोटी खुशियों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील हुआ होगा इस वीडियो से, और फिर इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी मोटिवेशनल लगा हो, कुछ भी सीखे हो अगर ना, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के लाइक से ना बहुत ही ज़्यादा हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।